घूमते घूमते आ चुके हैं वीर मैगी टी पॉइंट वालों के यहाँ, जहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया वैरायटीज की मैगी सैंडविचेस, राजमा चावल और छोले चावल मिलेंगे, वो भी बड़े ही सस्ते प्राइस में। तो चलिए देखते हैं अंदर की आज यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। तो मिलते हैं भैया से। हेलो भैया, कैसे हैं? हाँ जी बढ़िया। क्या क्या बना रहे हो आप? मैगी है, राजमा चावल है, सैंडविच है। तो आपके सबसे स्पेशल क्या है जो लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? मैगी और राजमा चावल। मैगी और राजमा चावल तीनों सबसे पड़ते हैं। तो आज आप हमें सबसे पहले क्या खिलाने वाले हैं? मैगी। मैगी, चलिए मैगी बनाइए। कौन सी मैगी बनाएंगे आप? बटर पनीर। बटर पनीर। सबसे पहले डाल दिया भैया ने मसाला। कौन सा वाला मसाला था? मैगी मसाला। प्याज, लाल मिर्च, वेजिटेबल, ओके वेजिटेबल मटर। अच्छा ठीक है, अब हमारा आ चुका है इसमें टमाटर। ये 20-25 रुपए की मिलेगी। तो भैया ने ये मैगी इसमें डाल दी है। तो भैया हमारा बटर पनीर वाला बना रहे थे ना भैया? हाँ जी। ओके, तो ये कितना समय लगेगा इसे पकने में? 2 मिनट। 2 मिनट वाकई में 2 मिनट लगेगा या फिर टाइम लगेगा? क्योंकि पब्लिक उसमें देखो एडवर्टाइजमेंट में बताया था कि 2 मिनट में आपकी मैगी बन के रेडी हो जाती है, लेकिन आप बताओ फिर भी एक जेन्युइन बार बताओ कितना समय लगता है मैगी बनाने में? 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं ना, मतलब लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। तो गाइस 2 मिनट तो हो गए, लेकिन मैगी अफसोस अभी पकी नहीं है, समय लगेगा थोड़ा। 2 मिनट से ऊपर हो गया और मेरी मैगी अभी तक बन के रेडी नहीं हुई है। तो भाई जो लोग बोलते हैं ना कि मैगी में सिर्फ 2 मिनट लगता है, तो भाई ये गलत फहमी निकाल दो भाई। कम से कम 5 मिनट तो लगी जाती है पूरी तरह से मैगी को पकने में और अच्छी तरीके से बनाने में। तो भाई एक बार ना आप इस मैगी का रंगत चेकआउट कर सकते हो, कितनी ज्यादा लजीज लग रही है, मेरे तो मुंह में ही पानी आ रहा है इसको देख के। तो भाई फाइनली ना मेरी बटर वाली मैगी बन के रेडी हो चुकी है, क्या बात है। ये देखने में कितना मस्त लग रहा है ना। चलिए जितना प्यारा ये देखने में लग रहा है, काश ये उतना ही प्यारा हो, तो जल्दी से खाकर बताएंगे कि इसका टेस्ट क्या है। तो भाई अब हमारी इसमें आ चुकी है बटर, भाई अमूल वाला बटर भैया ने इसमें मिक्स किया हुआ है। तो प्रॉपर बन चुकी है हमारी चीज वाली बटर वाली मैगी, फिनिशिंग भी कर दी है। आए है क्या बात है भाई। प्लेट कितने की है भैया ये वाली? 50 रुपए की ये प्लेट है। तो क्या सही लग रही है भैया? कैमरे के अंदर इतना डाला है या रियल में भी आप इतनी ही पनीर डालते हो? हाँ ये फ्रेश है कि आपने कैमरा देख के इतना सारा डाल दिया और रियल में आप ऐसे पकड़ा ना, रियल में मिलता। तो भाई एक बार देख लो क्या बात है, मैगी बन के रेडी हो चुकी है, जल्दी से खा के बताते हैं टेस्ट कैसा है। भाई मैं तो अब यहाँ मैगी अकेले नहीं खा पाऊंगी, तो भाई मैं अपने दोस्त को लेकर आई हूँ। से हाय। हाय। तो चलिए ट्राई करके बताते हैं, ट्राई करके कैसा है टेस्ट। भाई अपना नाम बता दो। मोनिका। भाई मोनिका मेरे को यहाँ पर लेकर आई हुई है, तो इसको ना यहाँ की मैगी राजमा चावल बहुत ज्यादा पसंद है, तो मेरे को बोला यार एक बार ना यहाँ का ट्राई करो। तो आज मैं लेकर आई हूँ मोनिका को। तो भाई मोनिका तुम्हें सच में टेस्ट अच्छा लगा? बहुत अच्छा। कब से खा रही हो जरा बता दो? 1 साल से। 1 साल से क्या क्या ट्राई कर लिया? राजमा चावल, मैगी, सब कुछ ट्राई कर लिया भैया। भाई राजमा चावल मैगी सब कुछ इसने ट्राई कर लिया, बट फिर भी वो मोटी नहीं हो पाती है। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं अब यहाँ, इसके बाद हम यहाँ एंजॉय करेंगे इनके सैंडविचेस और राजमा चावल। तब तक आप बने रहिए और मैं इसे एंजॉय करता हूँ। हमारा बन रहा है यहाँ पे पोटैटो चीज सैंडविच। तो भाई पोटैटो चीज सैंडविच के लिए आप भैया यहाँ पे क्या कर? सबसे पहले पोटैटो लगाएंगे। अच्छा, तो भैया कितने रुपए होता है प्राइस इसका? 40 रुपीज है। 40 रुपीज, तो वाला है ये 50 वाला है जी। ऐसा क्या हाजिर है जो 50 में बिकता है? इसमें आपकी अमूल वाली चीज लगती है। अच्छा, और अमूल का बटर लगेगा और घर के बने हुए आलू लगेंगे। और घर के बने हुए आलू लगेंगे। अच्छा, तो भैया सबसे ज्यादा आपके रियल बताना क्या बिकता है? अपने आप मैगी और राजमा चावल। मैगी और राजमा चावल जी। वैसे आपकी उम्र को देख के ज्यादा टाइम लग रही, कब से लगा रहे होगे? कब से लगा रहे हो आप ये? मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे फूफा जी लगा रहे हैं। अच्छा, फूफा जी लगा रहे हैं। अच्छा, तो फूफा जी के बाद आप लगा रहे हो? हाँ, अच्छा, उनकी मदद कर रहा हूँ मैं। अच्छा, किस क्लास से पढ़ते हो? नहीं, 12th हो चुकी है। 12th हो चुकी है जी। तो यहाँ पे ये सब किससे बनाना सीखा आपने? फूफा जी से ही सीखा है अपने। अच्छा, फूफा जी से ही सीखा। फूफा जी एक्सपर्ट है, मतलब ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है, क्या बात है। इसमें मैगी का चीज, अब इसमें एक
पहले लगाएंगे अमूल बटर। हाँ, तो अब हमारा इसमें लगेगा अमूल बटर जो कि मेल्ट हुआ हुआ रखा है। अच्छा, मेल्ट हुआ रखा है। भैया जब तक इसमें लगाएंगे जब तक ये पूरी तरह से मक्खन ना लग जाए इस ब्रेड के ऊपर, अच्छी तरीके से मक्खन से नहा नहीं लेती, जब तक इसे नहला नहीं देंगे ना भैया तब तक इसमें ऐसे ही मक्खन लगाते ही रहेंगे भाई जब तक ये पूरी तरह से नहा ना ले। मेरे ख्याल से भैया ये पूरी तरह नहा चुका है जी। तो लो भाई आ चुका है इसके अंदर। अब हमारा आ चुका है लाल लाल एकदम टमाटर के स्लाइसेस जो कि डलेंगे हमारे सैंडविच के ऊपर। सैंडविच के ऊपर भाई बिना वेजीज के ना हमारा सैंडविच अधूरा है। हमारा आ चुका है इसमें प्याज के स्लाइसेस, ये आ गया इसके ऊपर। चक्कर ये ना भैया अभी एक्सपर्ट नहीं है पूरी तरह से, एक्सपर्ट तो मेरे फूफा जी हैं, वही एक्सपर्ट तो फूफा जी हैं। भाई ये हमारा आ चुका है अमूल का बटर, ये पूरी टिक्की डलेगी इस सैंडविच के ऊपर। तो भाई अब हमारा यहाँ आ चुका है अमूल वाली चीज जो कि पूरी डलेगी हमारे इस वाले सैंडविच के ऊपर। क्या बात है भाई, देख लो पूरी चीज की टिक्की डल रही है इसके ऊपर। भाई मेरे को ना लग रहा है आज तो मस्त एकदम मेरा बढ़िया सा चीज वाला चीज लोडेड सैंडविच बन के रेडी होने वाला है। और भाई मुंह में आ रहा है पानी, जल्दी से खाएंगे और बताएंगे भाई टेस्ट कैसा है। फटाफट ये बनने के लिए रेडी हो रहा है। अब जिसमें हमने पोटैटो लगाया था वो वाला सैंडविच है। क्या बात है, नाइस। यहाँ पे फिर से लगेगा बटर। ओए होए भाई क्या बात है, बटर से नहलाया जाए। क्या बात है, मतलब एक बार नहलाने के बाद दोबारा नहलाया जा रहा है जी। अरे हाय क्या बात है भाई, एक बार ना सैंडविच को दोबारा से बटर से नहलाया जा रहा है भाई, देख लो यार। मतलब भैया जब तक इसे नहलाना दो तब तक आपका मन नहीं भरने वाला, बिल्कुल मन नहीं भरता ना ब्रेड का ना मेरा, ना ब्रेड का ना आपका। क्या बात है, बहुत सही। तो भाई देख रहे हो यार कितना मस्त लग रहा है, ना तो ब्रेड का मन भरने वाला है ना आने से चीज से मक्खन से, एकदम बढ़िया तरीके से ना भैया का। तो भाई खाया है कभी ये वाला अपने सैंडविच, अगर खाया हो ना तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, मुझे तो बहुत सही लग रहा है। तो भाई ये बन के हमारा रेडी हो गया, अब चलो ये से बनाएंगे हम। बहुत सही, ये आ गया इसके अंदर। तो भाई ये हमारा आ चुका है गैस के ऊपर। भैया कितना समय लग जाएगा उसको बनने में? मुश्किल से 2 से 3 मिनट, मतलब 2 से 3 मिनट में ये बन के सिक जाएगा, एकदम बन के रेडी हो जाएगा जी। क्या बात है भाई, सबसे ज्यादा ये डिमांडेड है आपके यहाँ पे, लोग पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा डिमांडेड है, रीजनेबल प्राइसेस में आता है ये। अच्छा, और जो हमारे पास मोस्टली आते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके बजट में भी आ जाता है। अच्छा, उनके बजट में भी आ जाता है ये। क्या बात है, ओए होए। अभी अभी तो भाई अब बन के हमारा रेडी हो चुका है ये सैंडविच। क्या बात है भाई, एक बार कलर देख लो कितना मस्त लग रहा है। तो भाई बन एक बार आप लोग कलर देख लो भाई, क्या बात है कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और ये खाने में भी उतना ही ज्यादा। भाई दोनों तरफ की रंगत चेकआउट कर लो, बहुत सही भाई। एक बार सैंडविच चीज वाला बन के रेडी हो चुका है, चलिए देर नहीं करते फटाफट खा के बताते कैसे। मन नहीं भरा जो कि अभी फिर से दोबारा से इसमें पनीर की स्टफिंग की जा रहा है। तो भाई इतना ज्यादा ये 50 रुपए में लोडेड बन के रेडी हो गया है। आ चुकी है इसमें केचप। तो भाई इसकी लाली लिपस्टिक बन के रेडी हो चुकी है, इसका फुल ऑन मेकअप हो चुका है। मेकअप करके हमको ही दिया या फिर सबको देते हो, एक बार बताओ? सबको ऐसे ही मिलता है, सबको ऐसे ही मिलता है ना, पक्का जी। ईशा और ईशा का पहले सबसे पहले खाके बताएगी कि टेस्ट कैसा है, फिर हम खाएंगे क्योंकि हमें सजेस्ट यहाँ पे ईशा ने ही किया था। बहुत अच्छा है भैया का, मैं काफी टाइम से आ रही हूँ खाने के लिए, मेरे को 1 साल हो गया। अच्छा,
अच्छा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा। चलिए मैं ट्राई करके बताती हूँ। काफी बढ़िया बनाया हुआ है भैया ने। 50 रुपए में ये पूरी प्लेट है, और जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, ये बटर से पूरा नहला दिया था इसको, तो मुझे ना बहुत टेस्टी लगा। अगर कभी भी अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं ना, तो एसएन मेडिकल कॉलेज के जस्ट जिस गली में एसएन मेडिकल कॉलेज है, मेन एमजी रोड पे भैया की ये स्टॉल दिख जाएगी। एक बार स्टॉल और दिखा दो। हमारा आ रहा है राजमा चावल। भैया राजमा चावल प्लेट कितनी रुपए होती है आपकी? 20 की। फुल प्लेट 35 की। तो भैया हाफ लगाना हमारे लिए। तो यहाँ हमारा आ चुका है राजमा। क्या बात है, रेड रेड वाला, लाल वाला राजमा। हमारी आ चुकी है इसमें प्याज। ये कौन सा मसाला है? सीक्रेट मसाला। सीक्रेट खुद बताते हो, ये नहीं बताओगे भैया क्या क्या मिलाया इसमें? तो भैया यहाँ हमारा आ चुका है राजमा चावल। तो चलिए टेस्ट करके बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। तो मात्र 20 रुपए प्लेट है, हाफ प्लेट 20 की और फुल प्लेट 40 रुपए की। तो भाई पहले नीरज खा के बताएगा कि टेस्ट कैसा है। भाई नीरज यहाँ पे खाता रहता है, कैसा लगता है आपको यहाँ का टेस्ट? मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, मैं अक्सर यहाँ आया करता हूँ खाने। अच्छा चलो खा के बताओ। काफी टेस्टी है और अच्छा है। अच्छा है, पब्लिक को आना चाहिए यहाँ पे? क्यों नहीं आना चाहिए, जब इतना बढ़िया चीज मिल रही है तो आना चाहिए। भाई टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है, और जो सबसे बेस्ट थिंग पता क्या है, अगर ऊपर से जो भैया ने अपने सीक्रेट वाले मसाले डाले हुए ना, उसका टेस्ट तो एकदम लाजवाब है। तो भाई ये जरूर ट्राई करना चाहिए। 20 रुपए में और क्या मिल रहा है यार ना। तो एक बार भैया से लोकेशन पूछ लेते, भैया कहाँ आना है एक बार बता दो। तो लोकेशन एमजी रोड पे जो एसएन मेडिकल कॉलेज है उसके बगल से जो रास्ता गया, वहीं पे सामने हमारी स्टॉल लगती है। इससे पहले ये स्टॉल हमारी आगरा कॉलेज के ठीक सामने लगती थी, अब यहाँ शिफ्ट हो गई है। अब समझ में आ गया, अब यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो यार एक बार आना बिल्कुल मत भूलिए, और यहाँ पे मैगी की वैरायटी जरूर ट्राई कीजिएगा। हेलो, हाय। तो भाई जल्दी से जाओ अपने भुक्कड़ दोस्तों के साथ ये वीडियो भर्राटे से शेयर कर दो, जो भी मैगी लवर्स हो। और आगरा ईटर्स के पेज को फॉलो, शेयर, लाइक करना ना भूले। बाय बाय। बाय।